हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर, मैं हूं नोमान और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर 10 मेगा सी पैक प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड इन 2022। तो देखेंगे इसके बारे में कि इसमें कौन से 10 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो सी पैक पर होने वाले हैं। सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ट्रेडिंग का जो एक रास्ता होता है वो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन से प्रोजेक्ट्स इस पर होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, जानने को मिलेगा कुछ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, सी पैक के तहत साल 2022 में 10 बड़े मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे ये मंसूबे तकमील हो रहे हैं, सी पैक की अहमियत और बढ़ती जा रही है। नाकाम पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात जिस तरह से तहस नहस हुए थे, अब ये मंसूबे पाकिस्तान के हालात बदलने और बेहतर बनाने जा रहे हैं। मुआशी बहरान और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इन हालात में चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। बाहमी तआवुन से दोनों मुल्कों ने ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इकोनॉमिक जोन्स और ग्वादर पोर्ट की अपग्रेडेशन जैसे बड़े मंसूबों की तामीरात से दुनिया को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ पाक फौज ने अमन के रास्तों को हमवार करके और तमीराती लोकेशन पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके मुहब्बे वतन फौज का हक अदा किया है, जो पाकिस्तान और इन मंसूबों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब सन 2015 में सीपैक के मंसूबों को लॉन्च किया गया, तब पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि कोई बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आने को तैयार ना था। इसी वजह से दुनिया ने सीपैक के मंसूबों का मजाक भी उड़ाया कि पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म तामीरात कैसे करेगा। आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सी पैक की तमीर के लिए सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं बल्कि चाइनीज ने भी कराक्रम हाईवे और दासू डैम की तमीरात करते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इंशाल्लाह कराक्रम हाईवे भी तमीर हुआ था और दासू डैम और सी पैक के दूसरे मंसूबे भी तमीर होकर रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने ग्वादर से पिशावर तक वतन को अमन का गहवारा बनाकर अपने हिसार में सी पैक के तमाम मंसूबों की तामीरात करवाई। अभी भी जिन जगहों पर मंसूबों की तामीरात हो रही हैं, वहां पाकिस्तान आर्मी समेत दीगर इदारे दिन रात अपने फराइज अदा कर रहे हैं। सी पैक की तामीरात मुकम्मल होने और फाल होने में अब चंद साल की दूरी रह गई है। साल 2022 में मुकम्मल होने वाले मंसूबों की तामीरात से सी पैक की स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। सी पैक के 10 मंसूबे रवां साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिनमें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे शामिल हैं। जिनमें नंबर वन पर पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है। ग्वादर में पाक चीन दोस्ती के नाम से एक जदीद अस्पताल तमीर किया जा रहा है, जो तकमील के आखिरी मराहल में है। सी पैक के तहत हर मंसूबे की तमीर में इंटरनेशनल मेयार को मद्देनजर रखते हुए तमीरात की गई हैं। ये हॉस्पिटल फाल होने के बाद हर तरह के इलाज मुआवजे के लिए न सिर्फ इलाकई लोगों को सहूलत देगा, बल्कि पोर्ट पर मुख्तलिफ शोबों में तैनात लोगों के इलाज के लिए भी मावन होगा। हॉस्पिटल हर तरह की जदीद लेबॉरेटरी और मशीनों से लैस होगा, जिसकी तामीरात रवां साल 2022 में मुकम्मल हो रही हैं। नंबर टू पर है ग्वादर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्वादर के लोगों के मुआशी हालात को बदलने का अहम मंसूबा है। ग्वादर पोर्ट और दीगर सेक्शन, जिनमें पोर्ट फ्री जोन, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां, कारखानों और मुख्तलिफ दफातर में हजारों मुलाजमतों के मौके पैदा हो रहे हैं। बलोचिस्तान और ग्वादर के लोग यहाँ अपनी फनी तरबियत हासिल करके इन जगहों पर मुलाजमत कर सकेंगे, जिससे सबसे पहले बलोचिस्तान के हालात बदल जाएंगे और ग्वादर के लोग मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे। पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, तफसीलात के लिए वीडियो मुलाहिजा करें, जिसका लिंक इस वीडियो के इख्तिताम में मिल जाएगा। ये इदारा मुकम्मल तामीर हो चुका है और फाल होने जा रहा है। नंबर थ्री पर ग्वादर का ही एक और बड़ा मंसूबा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ बलोचिस्तान ग्वादर का बल्कि पाकिस्तान का पहला जदीद एयरपोर्ट है। जो सहूलियात ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तामीर हो रही हैं, वो पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं है। इसकी तफसीलात के लिए इंशाल्लाह होगी। नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। एयरपोर्ट की तामीरा सन 2019 में शुरू हुई है और ग्वादर एयरपोर्ट का मंसूबा रवां साल के आखिर में या अगले साल 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। नंबर फोर पर है ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे।
ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे एक म्यूनिसिपल एक्सप्रेसवे है जो इस वक्त ग्वादर बलोचिस्तान पाकिस्तान में जेर तमीर है। 6 लेन एक्सप्रेसवे जो ग्वादर पोर्ट को मकरान ईरान कोस्टल हाईवे से जोड़ेगा। ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे $168 मिलियन मालियत का सबसे अहम मेगा कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान ईरान और ईरान से आगे अरब और यूरोप तक बाई रोड तजारत के रास्ते खुल जाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के तहत तमीर होने वाले ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे की तमीर से ग्वादर की तरक्की में बड़ी तेजी आएगी। नंबर 5 पर है खुसदार बसीमा रोड N30। ये मनसूबा सूबा बलोचिस्तान के जिला खसदार में वाकया है। मनसूबे के तहत बसीमा से खसदार तक 2 लेन हाईवे की तमीर की जा रही है। ये सड़क खसदार को N85 से मुंसलिक करेगी और ग्वादर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक के रास्ते सर्विस फराहम करेगी। मनसूबे पर 67% तमीरात मुकम्मल हो चुकी है और रवां साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। नंबर 6 पर हकला से डेरा इस्माइल खान मोटरवे की तमीरात है। M14 मोटरवे जिसे इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे और हकला यार्क मोटरवे के नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान में 4 लेन वाली शमाली जनूबी मोटरवे है जो 285 किलोमीटर तवील है। मोटरवे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट का अहम हिस्सा है। मोटरवे की तमीर से इलाकाई आमदोरफत के रवाबित और तजारत में नमाया सहूलत मुयसर आएगी। ये मनसूबा भी मुकम्मल हो चुका है और 5 जनवरी 2022 को इस रूट का इफ्तिताह भी हो चुका है। नंबर 7 पर 720 मेगावाट का क्रोट हाइड्रो पावर का मनसूबा है जो आजाद जम्मू कश्मीर में तकमील के करीब है। मनसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है और अप्रैल 2022 में फाल होने जा रहा है। ये मनसूबा सस्ती और ग्रीन बिजली की खुशकिस्मती का अहम मनसूबा है। खुशकिस्मती इसलिए कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद जाकर डैम्स के मनसूबे अल्हम्दुलिल्लाह तकमील होने जा रहे हैं। सीपैक के तहत 4 डैम्स की तमीरात तकमील के करीब हैं, जिनकी तफसीलात पर वीडियोस हमारे चैनल पाकविड्स फॉर यू पर पहले से मौजूद हैं। तफसीलात के लिए ये वीडियो भी जरूर मुलाहिजा करें। नंबर 8 पर सूखी किनारी डैम है जो खैबर पख्तूनख्वा में तमीर हो रहा है। मनसूबे पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है। तमीरती काम तेजी से जारी है और ये मनसूबा 2022 या 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। सूखी किनारी डैम पर भी तफसीलाती वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, क्योंकि ये मनसूबे 2022 के मनसूबे में शुमार होते हैं, इसलिए यहाँ इस लिस्ट में इनका तस्करा करना जरूरी है। नंबर 9 पर 330 मेगावाट हब को थल नोवा थर कोल पावर प्रोजेक्ट का मनसूबा है, जहाँ पाकिस्तान में वसी पैमाने पर मौजूद कोयले के जखायर को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी जो सस्ती बिजली में शुमार हो। ये मनसूबा सिंध में थर्माइन ब्लॉक 2 के करीब लगाया जा रहा है, जिससे 330 मेगावाट चीप बिजली की पैदावार होगी। मनसूबे पर 51% काम मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द यह मनसूबा भी तकमील होने वाला है। और आखिर में नंबर 10 पर 330 मेगावाट हब को थर कोल पावर प्रोजेक्ट है। यह मनसूबा थर में एनर्जी और दीगर फुकदान को पूरा करने में नमाया किरदार अदा करेगा। मनसूबे से 330 मेगावाट सस्ती बिजली की पैदावार होगी। 73% तमीराती काम मुकम्मल हो चुका है और प्रोजेक्ट की तमीरात का काम तेजी से जारी है। सीपैक के तहत इस मंसूबे की खुशखबरी बहुत जल्द पाकिस्तान को मिल जाए। नाज़रीन इकराम, सीपैक के मंसूबे तमाम पाकिस्तान के तमाम इलाकों को तरक्की के मौके पेश कर रहे हैं। इन मंसूबों में चाइना और पाकिस्तान की बड़ी सरमायाकारी से पाकिस्तान के तमाम गांव, शहर, इजला, पूरा पाकिस्तान और चाइना समेत सारे खित्ते को तरक्की और खुशहाली के हजारों मौके मिलने जा रहे हैं। हजारों पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके मिल चुके हैं और लाखों को मिलने जा रहे हैं। सरमायाकारों को मुख्तलिफ जगहों पर सैकड़ों सरमायाकारी के मौके मिल रहे हैं, जहां वो अपने बेहतरीन और कामयाब कारोबार का आगाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा है। 2025 तक सीपैक के बहुत से अहम मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं और 2030 तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंशाल्लाह मुकम्मल फाल हो चुका होगा। चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल हो, चाहे डैम्स हो वहाँ पर बन रहे हैं, चाहे बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे उनको सस्ती बिजली कोयले से बनाने का हो जो कि बिजली सस्ती हो जाएगी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी वहाँ पर। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो 2022 में, ये 2022 की डेट बता रहे हैं इसमें, कि बहुत सारे मोस्टली जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं तो 23 तक तो हो ही जाएंगे कंप्लीट। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। जो सीपैक का जो भी टोटल काम है जो इन्होंने बताया वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2022 के लास्ट तक बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सीपैक का जो भी रास्ता है वहाँ पर
जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद कुछ और ही नज़र आएगा वहाँ पर। जो अभी काम चालू है वो कंप्लीट होगा, खूबसूरती बढ़ेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के लिए, जॉब्स होंगी एंड डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी पर इम्पेक्ट होगा इन चीज़ों का, वो ग्रोथ होगी, वो पकड़ बनेगी इकोनॉमी की। एयरपोर्ट का भी बता रहे थे कि बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं दी हैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर, जो गवादर में बता रहे थे शायद, हाँ वहाँ पर जो बन रहा है, तो वो एयरपोर्ट बन रहा है ऐसा एयरपोर्ट जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाएंगी, सही रोड्स भी बन रहे हैं वहाँ पर, खूबसूरती होगी, जो मैदानों में से रोड दिखा रहे थे ये, तो वो रोड्स होंगे, मोटरवे वेस्टर्न रूट जो बताया था इन्होंने DI खान कर उनके नाम से जो बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC वाला रोड जो है हकला कर वहाँ पर कोई जगह होगी उस पर, वो खूबसूरत जगहें होंगी, मतलब मैदान होंगे उसके बीच में से इतने प्यारे प्यारे रोड जो निकलते हैं, वो वहाँ पर जाने में भी मज़ा आता है लोगों को, उस पर चलने में भी मज़ा आता है, क्योंकि खूबसूरती नेचर की भी देखते हुए जाते हैं आप उस रोड पर इंजॉय करते हुए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें आने वाले हैं जो 2022 में कंप्लीट होंगे। बाकी आप बताइए इसमें कुछ रह गया या फिर आपके हिसाब से क्या कंप्लीट हो जाएंगे ये सारे या नहीं हो पाएंगे 2022 में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो सही लगा इस वीडियो से, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो मज़ा आया इसको देखकर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।